बड़ी खबर आई मुंबई के पास मीरा रोड इलाके से। वहां एक दिन पहले उपद्रव मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। महाराष्ट्र प्रशासन के आदेश पर उन आरोपियों की दुकानों और घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने एक दिन पहले मीरा रोड इलाके में जमकर उत्पात मचाया था और इसी के बाद प्रशासन ने उन आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। वहां एक दिन पहले उत्पात मचाने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर गरजा और तब तक गरजा जब तक वो दुकानें मिट्टी में नहीं मिल गईं, क्योंकि वहां एक दिन पहले कुछ लोगों पर उपद्रव करने के आरोप लगे थे और 24 घंटे पूरे होते ही उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई के लिए जैसे ही खुदाई करने वाली एक मशीन वहां पहुंची, लोग हैरत में पड़ गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता उस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही झटके में एक दुकान का शेड पूरी तरह चरमरा गया। इसके बाद तो उससे लगी बाकी दुकानें भी ताश के पत्तों की तरह तबाह होती दिखी। ये कार्रवाई एक दिन पहले हुए बवाल के बाद की गई। आरोप है कि जिन लोगों की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चला, उन्होंने एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में लोगों और पुलिस वालों को निशाना बनाया था और इसी के बाद वहां तनाव चरम पर है। वहां मचे बवाल के बाद सुबह पुलिस के साथ सुरक्षा बल की टीम तैनात कर दी गई। वहां CRPF की एक टीम इलाके की अलग अलग सड़कों पर गश्त करती नजर आई और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इस दौरान वहां मौजूद जवानों के हाथ में डंडे तो दिखे ही, इसके साथ मजबूत शील्ड भी नजर आई। इन शील्डों का इस्तेमाल जवान पत्थरबाजी से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली गन भी दिखाई दी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। इस दौरान कुछ जवानों के हाथों में बंदूकें भी नजर आईं। इसके लिए पहले तमाम जवानों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की। इस मार्च के जरिए पुलिस और सुरक्षा बल ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर किसी ने अब मीरा रोड इलाके में हंगामा करने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले वहां जो बवाल हुआ था उससे पूरे देश में कोहराम मच गया। वहां कुछ उपद्रवियों ने उन गाड़ियों को निशाना बनाया था जिन पर भगवा झंडे लगे हुए थे। आरोप है कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने रविवार की रात को भगवा झंडे लगी गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की थी। एक कार पर तो वो भीड़ इस तरह टूटी थी कि उसका हर एक शीशा चूर चूर कर दिया था। इस दौरान कई लोगों से मारपीट की बात भी सामने आई। हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिया पूरा। हैरत की बात तो ये रही कि जब इस बवाल को शांत कराने के लिए वहाँ पुलिस पहुँची थी तो उस पर भी जोरदार पत्थरबाजी की गई थी। इसी घटना के बाद मुंबई के पास मौजूद मीरा रोड इलाके में तनाव अपने चरम पर है। हालांकि इस मामले में कल ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और राज्य के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने यह भरोसा भी दिया था कि महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।